सामीन नाज़रीन, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी बेहतर सेहत के लिए, आपको परेशानियों से बचाने के लिए और आपको जिस्म जिस्म की सेहत के बारे में नॉलेज देने के लिए मुख्तलिफ़ वीडियो के सिलसिले को जारी किए हुए। हम जिस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं वो कोल्ड है और फ्लू है, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, तो इसलिए आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लोग। हमने चाहा कि थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए ताकि अपने आप को महफूज रख सकें। तो वायरस और नज़ला ज़ुकाम, उसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। ये गोई अकीदा सदियों से रासिक है कि ठंडे मौसम की वजह से नज़ला ज़ुकाम होता है, और इस अकीदे की बुनियाद यह है कि नज़ला ज़ुकाम अक्सर मौसम सरमा के यानी सर्दी के मौसम में कोल्ड वेदर में इसका आगाज़ होता है, मगर कोल्ड वेदर का इसमें गालबन इस कदर हिस्सा नहीं है जिस कदर दूसरे अवामिल का है। इस बात का सबूत बहुत से तजुर्बात से मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये मशवरा बहरहाल बहुत मुनासिब है कि हर शख्स को मुतवादन ग़िज़ा खाकर अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत बढ़ाना चाहिए। ठंडे मौसम में खुले लिबास या हल्के लिबास के साथ ज़्यादा अरसे तक बाहर नहीं रहना चाहिए, खुसूसन नम और सीली हुई जगह में ज़्यादा अरसे तक ठहरना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। नज़ला ज़ुकाम की असल वजह इसका मुतादी या छूत असर है, यानी कि अगर एक को हुआ है तो फौरन ही उन्होंने वहाँ पे बैठ के छींका और फौरन ही सारे वायरस जो है ना फैला दिए, और जितने लोग बैठे हुए अगर वो ज़रा सा कमज़ोर तबीयत के हैं तो उनमें हो सकता है कि ये असर तेज़ी से हो जाए, कि बासानी एक दूसरे से लग जाता है। सर्द मौसम में ये सबब से आम है कि सर्द मौसम में यानी सर्दी से तहफ़ के लिए लोग कुदरती तौर पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मौसम सरमा में पुरहजूम महाफिल यानी महफिलें और तकरीबात आम हैं, यानी कि मौसम अच्छा होता है, लोग सोचते हैं कि शादियां सर्दी के मौसम में करें, और ऐसे जो लोग हैं महफिलें अपनी जो बर्पा करते हैं वो इसी तरह से कि सर्दी का मौसम हो, ज़रा मौसम अच्छा हो, बंद कमरों में तकरीबात होती हैं, तो उसमें ये होता है कि ताज़ा हवा का इतना ज़्यादा गुज़र नहीं होता, और जो है लोग ऐसी महफिलों में जाते हैं, तो अगर एक को भी हो रहा होता है तो जब वो छींकता है या खांसता है तो बहुत सारे वो जो है वायरस वो अपने गिर्द फैला देता है, और जितने लोग उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं अगर वो कमज़ोर भी हैं तो फिर यकीनन उनको कुछ ना कुछ उसका असर हो ही जाता है, और फिर ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह बंद कमरों में करीब करीब सोए हुए अफराद खाना में से अगर एक को ज़ुकाम हो जाता है और इन बंद कमरों में हवा का गुज़र भी मुनासिब नहीं है, तो इनमें से उस कमरे में रहने वाले दूसरे लोगों को नज़ले ज़ुकाम से कोई चीज़ नहीं बचा सकती है। तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि नज़ले ज़ुकाम की वायरस छींटों और छोटे कतरों की शक्ल में मुतासरा शख्स की रेजिश से यानी खांसने, जैसे हमने आपको बताया कि खांसने और छींकने से निकलती है, उड़कर दूसरों को मुतासिर करती है। नाक और मुंह के ज़रिए ज़ाहिर है कि सांस तो लेंगे ना, अगर आप कहीं भी बैठे हुए और किसी ने छींका है या खांसा है तो आप तो सांस ले रहे हैं, तो ये जिस्म में दाखिल हो जाती हैं और मर्ज को फैलाने का मौसर ज़रिया है। खांसने और बोलने से गालबन ये मर्ज दूसरों को इस कदर आसानी से नहीं लगता है जिस कदर छींकने और नाक सूं करने से लगता है। चुनाचा कम गुंजाइश वाले गुंजान कमरों में यकजा होना इस मर्ज को फैलाने का सबसे सहल तरीका है। फौजी जब पहली मरतबा गुंजान कमरों में इकट्ठा होते हैं तो 90% को पहले ही महीने में नज़ला ज़ुकाम लग जाता है। अगर एक भी ऐसा होता है तो हमने जैसे कि बताया तो आम लोगों को लग जाता है। वो अरसा जबकि वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद मर्ज पैदा करता है, अरसा असर मर्ज इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इन्फ्लुएंजा और नज़ला ज़ुकाम के वायरस में ये अरसा नहायत कलील यानी उसे हद से 3 दिन का होता है, और यही वजह है कि इन वायरसेस के सबब से जो वबाएँ आती हैं वो बहुत जल्द तूफ़ानी अंदाज में लोगों को मुब्तला करती चली जाती हैं। एक आदमी को अगर आज ये मर्ज हो जाए तो कल तक वो दूसरे 10 अफराद को इस मर्ज में मुब्तला कर देगा। अब पता तो नहीं चलता क्योंकि जब ज़ाहिर होगा तो ज़ाहिर है 2-3 दिन
पहले आप सोचेंगे ओहो फला शख्स वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे छींक रहा था कहाँ से, इसलिए हमें हुआ है। तो ये अब हम आपको ये बताएंगे कि मर्ज का सद्देबाब और उसका इलाज क्या है। ये बात बिलमूम सही है कि नज़ला जुकाम में टीके लगाने से मौसर हिफाजत नहीं हो सकती। तो फिर अब इस ज़मन में आखिर किया क्या जाए। एक काबिले जिक्र यानी 10 से 40% तादाद इन लोगों की है जिनको बिलमूम नज़ला नहीं होता है, और इनकी इस नादिर सेहतमंदी का बज़ाहिर कोई सबब भी वाज़े नहीं है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो लोग अच्छी और मुनासिब ग़ज़ा खाते हैं, प्यास से ज़्यादा अच्छी तरह पानी पीते हैं, मुनासिब वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सांस लेने की मशकें करते हैं, ज़रूरत के लिहाज से आराम करते हैं, दुरुस्त लिबास से अपने जिस्म को यानी कि अगर बाहर निकलते हैं तो अपने जिस्म की 2-3 लेयर जो लिबास की होती हैं, जैसे हमने आपको दूसरे उसमें वीडियो में बताया है, वो पहने होते हैं, पैरों को जुराब और जूतों से गर्म रखते हैं, सर पर टोपी या मफलर जो भी होता है वो ओढ़ते हैं, अपने काम से मुतमईन हैं, इनमें चाको चौबंद रहते हैं और ज़िंदगी की तरफ सेहतमंदाना रवैया रखते हैं, इनमें नज़ला ज़ुकाम का इम्कान और फ्लू का इम्कान बहुत ही कम होता है। चुनाचा अगर हर शख्स को इसी तरह अपने तर्ज ज़िंदगी को अपना ले, अगर हर शख्स इसी तरह की तर्ज ज़िंदगी को अपना ले तो यकीनन ये वाला मर्ज जो बहुत ही तकलीफ देह होता है और अच्छे खासे एक जसीम और अच्छे खासे ताकतवर इंसान को ऐसा मिनटों में ढेर करके और बिस्तर पे गिरा देता है, वो उससे बच सकता है। मदरजा खैर अब हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा तर्ज हयात इख्तियार करने के अलावा बंद और महदूद कमरों में मुतअद्दिद अफराद के साथ यकजा सोने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह ये मर्ज आसानी से लग जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाकिफायते बाज की गैर मौजूदगी में जिस्मानी कुर्ब से जो हरारत मिलती है वो गर्म रखने का मौसर जरिया है, लेकिन इल्मी नुक्ते नज़र से और सेहत आमा के लिहाज से ये नामुनासिब है कि इस तरह जिस्मानी हरारत के साथ इन्फेक्शन भी मिल ही जाता है। चुनांचे मशवरा तो ये है कि कमरे में या तो एक मुतनफ़िस हो या ज़्यादा से दो और बिस्तर में साथ साथ सोने से गरेज किया जाए, यानी जिस तरह अक्सर औकार सब साथ सोते हैं, दुरुस्त यह है कि जिस्मानी कुर्ब से हरारत हासिल करने की बजाय रूही के लिहाफ और उनके कंबल से गर्मी हासिल कर ली जाए। यानी ये नहीं है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर एक को थोड़ा सा फ्लू का असर है, नज़ले का असर है, तो उसको तनहा सोना चाहिए ताकि जितने भी वायरस उसके सांस के साथ या उसके छींकों के साथ या खांसी के साथ बाहर आते हैं या रतूबतों के साथ बाहर आते हैं तो दूसरे लोग उससे महफूज रहें। एक को थोड़ा आइसोलेशन में होना चाहिए तो दूसरे लोग बच सकते हैं, वरना लाजमी बात है एक को होगा तो वह 10 को लगाएगा। अच्छा, यहाँ पर यह बात भी याद दिलाने की ज़रूरत है कि गठिया जो है हमारे मुल्क में ख़तरनाक मर्ज़ है जो बिलाखिर दिल को माउफ कर देता है। इसका आगाज़ भी हलक की सोजिश से होता है। ये मुतादी मर्ज है गो इसका बाइस बैक्टीरिया या इसका एक मखसूस कबीला जो है जिसको स्ट्रेप कहते हैं, मगर ये भी बच्चों को एक दूसरे के कुर्ब से लगती है। जब मेहमान बाहर से आता है तो वो अपने वायरसेस और जरासीम भी साथ लेकर आता है। जाहिर है कि इन हमलावरों के खिलाफ हमारे पास कोई दिफाई सलाहियत नहीं होती और इन मेहमानों में बहुत जल्द नज़ला जुकाम लग जाता है। इस मेहमान के साथ एक बिस्तर के करीब में सोना नामुनासिब है। अगर इसको नज़ला जुकाम हो तो बेहतर यह है कि उसे आइसोलेशन में रखा जाए, उसको ऐसे कमरे में सुलाया जाए जहाँ पे दूसरे लोग ना मौजूद हों। ठंड और नज़ला जुकाम का मुकाबला एंटीबायोटिक अदविया से नहीं हो सकता। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो लोग इस जो मरीज इस कस्म की डॉक्टर से ज़िद करते हैं कि डॉक्टर साहब इतने दिन हो गए आप हमें कोई एंटीबायोटिक दे दें, वो ये जान लें कि वायरस का मुकाबला एंटीबायोटिक से नहीं किया जा सकता और वायरस कभी भी एंटीबायोटिक से ख़त्म नहीं होता है।
इस ज़िमन में सिर्फ शिकायत को रफ़ा करना चाहिए, मामूली दाफ़े दर्द गोलियों से दर्द रफ़ा किया जाए। यानी कि अगर गले में सख्त दर्द हो रहा है तो आप ऐसी दवा ले लें जिससे दर्द ख़त्म हो जाए। अगर नज़ले की यानी कि ज़्यादा है तो एंटी, और बह रहा है नज़ला तो एंटी हिस्टामिन ले लें। एंटी हिस्टामिन भी दवा ली जा सकती है, बाज़ औक़ात वाइटामिन जी भी ली जा सकती है, बाज़ औक़ात वाइटामिन्स भी ली जा सकती हैं। अलावा अजी बिस्तर पर लेट कर आराम करें। बिस्तर और कमरा गर्म हो लेकिन इसमें हवा और रोशनी का गुजर होना चाहिए। बकसरत नीम गर्म पानी पिएं। ज़्यादा फलों का अर्क इस्तेमाल करें, यानी कि जूसेस ज़्यादा इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी में डालकर आप, तो अगर आप जूस ज़्यादा नहीं पीते हैं तो फिर उसको थोड़ा जूस लें और गर्म पानी में डाल के पी लें। इस तरह नीम गर्म, जैसे कि यखनी होती है, सूप होता है, मुर्ग का सूप जो होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उबली हुई तरकारियाँ, उबला हुआ गोश्त यानी कि कीमा, फिश, शहद, शहद बहुत बेहतरीन होता है इसके अंदर, और मक्खन इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके गले में सोजिश है तो सादा हल्की चाय यानी बग़ैर दूध और चीनी वाली से गरारे कर सकते हैं। अगर नाक अंदरूनी तौर पर बंद है या मुतवर्रम है यानी कि उसमें वर्म आया हुआ है, तो गर्म उबलते हुए पानी की भाप सांस के ज़रिए अंदर लें। और फ्रिज में रखी हुई ठंडी अशिया को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इस तरीके कार को इस्तेमाल करने से न सिर्फ आप जल्द सेहतमंद हो जाएंगे बल्कि आपके रफ़ाए कार जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके स्कूलों में हैं, जो आपके ऑफिसेस में हैं, आपके हम नशीन हैं, आपसे इंतहाई खुश होंगे कि आपने अपना वायरस उनको हदिया यानी उनको तोहफे में नहीं दिया है और इस तरह अपनी बीमारी में उनकी शिरकत नहीं की है। ठंड की शिकायत के साथ अगर बुखार भी हो जो 2-3 दिन से ज़्यादा है, या जब आपके बुखार और ठंड में फाके की कोई सूरत नज़र ना आए, तो फिर यकीनन आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो मायना करे, एक्सरेज करे, और अगर कोई ऐसी बात है तो उसका पता लगाया जाए जो खिलाफ मामूल है और अब तक आपकी नज़रों से उझल रही है, ताकि वो मज़ीद आपको हिदायत दे सके और किसी बड़ी बीमारी से आप बच सकें। अब आपने देखा कि अगर आपकी खुराक सही है, आपका जिस्म सेहतमंद है, आप सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने जिस्म को गर्म रख रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं तो पूरा लिबास आप पहन रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें जो है ना इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी नज़र। लेकिन अगर हो गया है आपको, तो फिर आपको अपने आप को आइसोलेशन में रखना होगा, आपको गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी। सूप है, जैसे गर्म सूप है, और जूसेस हैं, और इस तरह की लिक्विड चीज़ें, पानी गर्म ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हल्का गर्म पानी, ताकि आप जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएं और दूसरों को ये चीज़ जो है ना बीमारी तोहफे में ना दें।